स्वागत है आप सभी का दोस्तों मेरे चैनल प्रोग्रामिंग नितिन में। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए एक प्रोडक्ट की अनबॉक्सिंग लेके आया हूँ और इस प्रोडक्ट का नाम है मीवी F60 डुओ पॉड्स। ये जो मीवी का प्रोडक्ट है ये फ्लिपकार्ट पे लॉन्च हुआ था 25 अप्रैल 2022 को। मैंने इसे फर्स्ट सेल में परचेस करा था। फर्स्ट सेल में इसका जो प्राइस रखा गया था वो था 999 रुपीज और बाकी इसकी जो भी स्पेसिफिकेशन है इसको मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहले हम इसका अनबॉक्सिंग करेंगे, इसके बॉक्स के ऊपर जो डिटेल्स दी गई है वो देखेंगे, ये किन कलर वेरिएंट्स में आता है, इसकी क्या खासियत है, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं इस प्रोडक्ट को मैंने फ्लिपकार्ट से ऑर्डर करा था क्योंकि ये फ्लिपकार्ट पे ही लॉन्च हुआ था और लॉन्च के साथ में फ्लिपकार्ट ने इसके साथ में कुछ और भी चीज़ें प्रोवाइड करवाई हैं, जैसे कि 3 महीने का गाना का सब्सक्रिप्शन आपको साथ में मिलेगा और बहुत ही कम प्राइस में इसे लॉन्च कराया गया है। और मीवी की तरफ से बताया गया है कि इस प्रोडक्ट में बहुत सारी नई चीज़ें इंक्लूड करी गई हैं, तो वो सारी चीज़ें अभी हम अनबॉक्सिंग करते हुए देखेंगे। सो जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये पैकेज मैंने ओपन कर लिया था देखने के लिए कि प्रोडक्ट सही है कि नहीं है। तो ये मेरा प्रोडक्ट है डुओ पॉड्स ENC F60 ट्रू वायरलेस ईयरफोन। जैसा कि आप देख सकते हैं ये मेरे पास जो बॉक्स में कलर आपको दिख रहा है ये ब्लू कलर है, वैसे ये 3 दूसरे कलर में भी आता है, ब्लैक, ब्लू एंड वाइट। और ये इसकी डिटेल्स यहाँ पे दी गई हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं HD स्टीरियो साउंड, लॉसलेस ऑडियो, डुअल माइक ENC फॉर बेटर कॉलिंग। इन डुओ पॉड्स के अंदर आपको 4 माइक मिलेंगे, हर एक बर्ड में आपको 2 माइक देखने को मिलेंगे, इसी तरीके से 4 माइक का सेटअप इसमें करा गया है, जिसके बेनिफिट्स ये हैं कि आपको यहाँ पे जो कॉलिंग की जो क्वालिटी है वो बहुत अच्छी मिलनी चाहिए, जैसा कि मीवी ने बताया था। बाकी अभी हम आगे सारी चीज़ें टेस्ट करके देखेंगे। इसमें आपको IPX 4.0 का सपोर्ट मिलेगा, इसमें आपको टच सपोर्ट मिलेगा, प्ले, पॉज, आंसर कॉल और जितने भी वॉइस असिस्टेंट होते हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। और जैसा कि आप जानते हैं कि जो मीवी है ये इंडिया का ब्रांड है, सो प्राउडली मेड इन इंडिया। और आप देख सकते हैं सुपर सॉलिड बास पावरफुल इसके जो ड्राइवर्स हैं वो भी एक हाईलाइट है। तो मीवी ने जैसा बताया है कि इसके जो ड्राइवर्स हैं वो 13 mm इलेक्ट्रो डायनेमिक ड्राइवर्स के ऊपर बेस्ड हैं, जो कि आपको एक बैलेंस साउंड प्रोवाइड करवाएंगे। और ये जो ईयरबड्स हैं ये अलग अलग तरह के कोड भी सपोर्ट करता है, जैसे कि AVRCP, A2DP, HD, और साथ ही साथ आपको इन ईयरबड्स में गूगल असिस्टेंट का भी सपोर्ट देखने को मिलेगा, एलेक्सा सीरी सपोर्ट भी आपको देखने को मिलेगा, और साथ ही साथ इन बर्ड्स में आपको 8.5 आवर्स की बैटरी देखने को मिलेगी अगर आप 70% वॉल्यूम पे यूज करते हैं सिंगल चार्ज का। और चार्जिंग केस के साथ में आपको 50+ आवर्स की बैटरी बैकअप देखने को मिलेगी। ये टाइप सी पोर्ट को सपोर्ट करते हैं। तो चलिए अनबॉक्स करते हैं इस प्रोडक्ट को और देखते हैं आगे की डिटेल्स। जैसा कि आप देख सकते हैं ये अभी पॉलिथीन से पैक है। यहाँ पे पॉलिथीन निकालने के बाद किसी भी तरह का आपको कोई सील देखने को नहीं मिलेगा, तो ये डायरेक्टली ओपन हो जाएंगे। तो अब आप देख सकते हैं कि ये जो बॉक्स है ये ओपन हो गया है और कुछ इस तरह का आपको अंदर से बॉक्स देखने को मिलेगा। अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे एक छोटा सा कटआउट दिया हुआ है जिसके थ्रू आप बॉक्स को बाहर की तरफ खींच सकते हैं इस तरह से। यहाँ पे सबसे ऊपर आपको ये वारंटी कार्ड दिखाई देगा। 1 साल की वारंटी रजिस्टर करने के लिए आपको ये QR कोड स्कैन करना पड़ेगा। स्कैन बिलो QR कोड टू डायरेक्टली मैसेज ऑन ओवर व्हाट्सएप नंबर, टेक अ फोटो ऑफ योर इनवॉइस रिसिप्ट। रजिस्ट्रेशन करने की यहाँ पे स्टेप्स दी गई हैं, आपको इनवॉइस और रिसिप्ट की फ़ोटो खींचनी है और व्हाट्सएप पे इनको भेज देनी है इस नंबर पे। और अगर आप चाहें तो इस QR को स्कैन करके भी इनके व्हाट्सएप से कनेक्ट हो सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको देखने को मिलता है ये मैनुअल जिसमें सारी चीज़ें बताई गई हैं कि इन डुओ पॉड्स को आपको किस तरह से यूज़ करना है। सो आपको पैकेज के अंदर मिलता है मीवी डुओ पॉड्स F60, चार्जिंग केस, चार्जिंग केबल, सिलिकॉन जेल टिप्स और साथ ही साथ यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं कि इनको आप कैसे यूज़ कर सकते हैं। सो मल्टी फंक्शन बटन, ईयरबड इंडिकेटर, माइक्रोफोन, ईयरबड कैप, चार्जिंग थिम्बल, USB टाइप सी पोर्ट, ये सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। यहाँ पे पूरी प्रोसेस बताई गई कि इसको आपको कैसे पावर ऑन करना है, कैसे पावर ऑफ करना है, कैसे इसको कनेक्ट करना है,
प्ले पॉज कैसे होगा, प्रीवियस और नेक्स्ट ट्रैक कैसे होगा, आंसर और एंड कैसे करना है कॉल को, गूगल असिस्टेंट और सीरी असिस्टेंट को कैसे एक्टिवेट करना है, हाउ टू आंसर थर्ड पार्टी कॉल, हाउ टू चार्ट डू पर 60, हाउ टू एडजस्ट वॉल्यूम, आप वॉल्यूम कैसे एडजस्ट कर सकते हैं, प्रेस एंड होल्ड द लेफ्ट ईयरबड टू डिक्रीज द वॉल्यूम, प्रेस एंड होल्ड द राइट ईयरबड टू इंक्रीज द वॉल्यूम, हाउ टू क्लेम वारंटी एंड दैट्स ऑल। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं। साथ ही साथ यहाँ पे एक और छोटा सा कार्ड दिया गया है जिसमें इन्होंने आपको विश करा है मेवी के टीम को ज्वाइन करने के लिए। और अब आप देख सकते हैं कि ये छोटा सा यहाँ पे कैप जैसा लगाया गया है जिसके अंदर आपको ये डुओ पॉड्स देखने को मिलेंगे। ये एकदम ग्लॉसी फिनिश में है ये प्लास्टिक मटेरियल, बट ये ग्लॉसी फिनिश में है जैसा कि आप देख पा रहे हैं। ये देखिए ये ईयरबड्स यहाँ पे लगे हुए हैं, स्टेम शेप में है और स्टेम के ऊपर ही मेवी की जो है वो ब्रांडिंग दी गई है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लाइट का जो इंडिकेटर है ये ब्लिंक होने लग गया है कनेक्ट होने के लिए। और यहाँ पे देखिए ये भी इंडिकेटर दिया हुआ है चार्जिंग केस में, जब आप अपने ईयरबड्स को वापस रखते हैं इसके अंदर तो ये इस तरह से ब्लिंक करने लग जाता है। नीचे की तरफ आपको टाइप सी पोर्ट देखने को मिलेगा, यहाँ पे मेवी की ब्रांडिंग है और थोड़ा सा बल्की है बट इसका डिज़ाइन है वो काफ़ी अच्छा है, स्मूथ है, बट यस स्क्रैचेस इस पर ज़रूर आ जाएंगे बाद में, बट अभी फ़िलहाल में नया है तो आपको बहुत अच्छा और शाइनिंग दिखाई देगा और एक अलग ही डिज़ाइन आपको देखने को मिलता है जो कि पूरा राउंड शेप में है। चलिए बात करते हैं बाकी पैकेज कंटेंट की। सो अब नेक्स्ट आपको यहाँ पे जो छोटा सा बॉक्स दिख रहा है इसके अंदर डेफिनेटली चार्जिंग केबल और आपको ईयरबड्स के जो जेल हैं वो देखने को मिलेंगे अलग अलग साइज़ के। सो ये चार्जिंग केबल है और इसी के अंदर आपको ये जो जेल हैं वो देखने को मिलेंगे, ईयर जेल्स जो हैं वो आपको देखने को मिलेंगे अलग साइज में। सो मीडियम इसके अंदर लगा हुआ है, स्मॉल और लार्ज साइज आपको इसके अंदर देखने को मिलेगा। तो ये था हमारा अनबॉक्सिंग का मटेरियल। बात करते हैं इन डुओ पॉड्स की, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे देखिए ये कुछ इस तरह से दिखाई देते हैं, इस तरह का इसका शेप है। यहाँ नीचे आपको चार्जिंग इंडिकेटर मिलेगा, नीचे आपको चार्जिंग पॉइंट मिलेगा, नीचे एक माइक आपको देखने को मिलेगा, दो पॉइंट दिए हुए हैं चार्जिंग के और एक माइक है, और एक माइक आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। देख सकते हैं ये इस तरह का डिज़ाइन है अगर आप ये जेल को निकाल देते हैं तो, क्योंकि काफ़ी अच्छा है, ईजीली आप इसको नहीं लगा पाएंगे। तो जो क्वालिटी दी गई है बहुत ही अच्छी है, एक कम प्राइस में आपको बहुत अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड करवाई गई है। सो आगे मैं आपको इस ईयरबड के थ्रू सारे टेस्ट करके बताऊंगा कि इसका जो कॉलिंग क्वालिटी है, इसकी जो साउंड क्वालिटी है, इसके जो टच कंट्रोल्स हैं, इसका जो बैकग्राउंड नॉइस कैंसिलेशन है या कॉलिंग में जो नॉइस कैंसिलेशन है वो किस तरह का है, वो सारी चीजें मैं अभी आपको बताऊंगा आगे इस वीडियो में। सो हर एक चीज का हम टेस्ट करके देखेंगे। तो दोस्तों अब चलिए देखते हैं कि इस ईयरबड को अगर हम हमारे मोबाइल से कनेक्ट करते हैं तो उसको कनेक्ट करने में कितना टाइम लगता है और किस तरह से ये कनेक्ट होते हैं। तो देख सकते हैं कि ये मेरा मोबाइल है, इसमें मैंने मेरा ब्लूटूथ जो है वो ऑन कर दिया है और यहाँ पर मैं इसको ओपन करता हूँ इस डिवाइस को और इन ईयरबड्स को निकालता हूँ इसमें से। तो ईयरबड्स को निकालने के बाद देखते हैं कि ये कितना टाइम लगाते हैं कनेक्ट होने में मेरे मोबाइल डिवाइस से। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरा मोबाइल जो है वो अभी सर्च कर रहा है अवेलेबल डिवाइसेस को और यहाँ पे नाम आ गया है मेवी डुओ पॉड्स F60 और यहाँ पे देखिए ये मैसेज आ गया है पेयर करने का, पेयर अप विद द डिवाइस, तो मैंने इसे पेयर कर दिया। सो नाउ मेवी डुओ पॉड्स F60 इन यूज फॉर कॉल्स एंड मीडिया प्लेबैक, बैटरी लेवल 100%। तो यहाँ पे जो बैटरी लेवल है वो 100% ऑलरेडी अवेलेबल है। आप देख सकते हैं यूज हाई क्वालिटी ऑडियो, SBC कोडेक आप इसको ऑन कर सकते हैं, कॉन्टेक्ट शेयरिंग फॉर शेयरिंग कॉन्टेक्ट आप इसे ऑन कर सकते हैं, बाकी सारी चीज़ें वो ऑटोमेटिकली कनेक्ट कर चुका है मीडिया और फोन ऑडियो से रिलेटेड। अब आप जैसा कि देख सकते हैं ये जो मेरे दो पॉड्स हैं ये कनेक्ट हो चुके हैं। सो अब मैं इससे आपको दिखाता हूँ रिकॉर्ड करके कि अगर आप इन डुओ पॉड्स को लगाकर साउंड रिकॉर्ड करते हैं तो आपको किस तरह की आवाज़ जो है वो सुनाई देगी। चलिए स्टार्ट करते हैं रिकॉर्डिंग रिकॉर्डर के थ्रू पहले, फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि अगर आप इसको
कॉलिंग के लिए यूज़ करते हैं, सो इसका जो माइक है वो किस तरह से वर्क करेगा कॉल्स के लिए। अभी पहले हम इससे रिकॉर्डिंग करके देखेंगे, फिर हम इसके माइक को भी और अच्छी तरीके से देखेंगे कॉलिंग के लिए। सो इसकी जो फिटिंग है ये वैसे तो काफ़ी अच्छी है, बट थोड़ी सी आपको अजीब लग सकती है क्योंकि इसका जो शेप है वो थोड़ा सा बड़ा है। सो अगर आप छोटे ईयरबड्स को प्रेफर करते हैं तो हो सकता है आपको ईयरबड्स थोड़े से बड़े लगे, बट जब आप इनको कान में लगा लेते हैं तो आपको सराउंडिंग का जो साउंड है वो एकदम से ही बंद हो जाएगा। एकदम से ऐसा लगता है जैसे कि बहुत शांति हो गई है इनको लगाने के बाद, और आप इनको निकालेंगे तो वापस से आपको सराउंड साउंड जो है वो सुनाई देने लगेगा, बट जब आप इनको लगा लेंगे तो आपको एकदम से बहुत ही अजीब सा, बहुत ही अलग सा एक आपको बहुत अलग महसूस होने लगेगा, जैसे आपको आसपास का बिल्कुल भी साउंड नहीं सुनाई देगा। थोड़े से बड़े हैं, स्टेम शेप साइज है, तो आप इसको जब कान में लगाएंगे तो हल्का सा आपको फीलिंग आएगी, बट बहुत देर तक अगर आप इसे लगा के रखते हैं तो ऐसी एस सच कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई इरिटेशन नहीं होगी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मेरा ये फ़ोन इस ब्लूपोर्ट से कनेक्टेड है, सो मैं यहाँ पे वॉइस को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। सो अब ये जो आवाज़ आप सुन रहे हैं ये डुओ पॉड से रिकॉर्ड करी गई है, आप सामने देख भी सकते हैं स्क्रीन पे, ये मेरी जो वॉइस है ये यहाँ पर रिकॉर्ड हो रही है, और मैं आपको बिल्कुल इनका यूज़ करके बता रहा हूँ कि किस तरह का ऑडियो जो है वो रिकॉर्ड करेंगे अगर आप इनको लगा के ऑडियो को रिकॉर्ड करते हैं। अभी मैं जिस रूम में हूँ वहाँ पर बैकग्राउंड में एक फ़ैन चल रहा है जिसकी एक हल्की सी आवाज़ हो रही है, मे भी हो सकता है आपको वो आवाज़ इन डुओ पॉड्स के साथ, इन डुओ पॉड्स में सुनाई दे, क्योंकि ये जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ सो वो बैकग्राउंड में फ़ैन जो है वो वर्किंग है, तो हो सकता है इन डुओ पॉड्स से आपको उस फ़ैन की साउंड जो है वो सुनाई दे। ओके, सो ये थी छोटी सी रिकॉर्डिंग आपको ये बताने के लिए कि इसका इन, तो ये थी एक छोटी सी रिकॉर्डिंग आपको ये बताने के लिए कि ये जो डुओ पॉड्स हैं इनका जो ये माइक, इनका जो इन डुओ पॉड्स का जो माइक है, इस डुओ पॉड्स का जो माइक है वो किस तरह से वर्क करता है। सो आप कमेंट में बताइएगा कि आपको कैसा लगा ये रिकॉर्डिंग का जो पोर्शन है जो मैंने डुओ पॉड से रिकॉर्ड करके आपके लिए यहाँ पर वीडियो में बताया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये एक जो रिकॉर्डिंग है यहाँ पर हो गई है सेव, इसको आप वीडियो में देख ही रहे थे। तो ये वही ऑडियो रिकॉर्डिंग है जो अभी आपने सुनी है, इसे मैंने मेरे फ़ोन के थ्रू सेव करा था और आप लोगों के लिए ही बनाया था। अब आगे आपको वीडियो में देखने को मिलेगा इन डुओ पॉड्स से रिकॉर्ड करा गया एक कॉल, जो कि आपको बताएगा कि इंडोर में इस डुओ पॉड की कॉलिंग क्वालिटी किस तरह की है। फिर आगे आपको मिलेगा एक और कॉल रिकॉर्ड जो कि आउटडोर कंडीशन में आपको बताएगा कि इन डुओ पॉड्स की कॉलिंग क्वालिटी किस तरह की है। ठीक है, इन माइक्स के कॉलिंग क्वालिटी का डेमो इंडोर सिचुएशन में, जब आप इन डुओ पॉड्स को कनेक्ट करते हैं और कनेक्ट करने से पहले ये जैसे ही आप इनको कान में लगाते हैं तो ये आपको एक छोटा सा नोटिफिकेशन देता है दैट योर डिवाइस इज नाउ रेडी टू पेयर, और जब आप डिस्कनेक्ट करते हैं तो ऐसी आवाज़ आती है दैट योर डिवाइस इज डिसकनेक्टेड एंड इट इज नाउ अगेन रेडी टू पेयर। हाय अनुराग, कैसे हैं आप? बिल्कुल बढ़िया सर, आप बताएं। अभी एक्चुअली मैं एक प्रोडक्ट का अनबॉक्सिंग कर रहा था, तो मुझे उसके कॉलिंग क्वालिटी को टेस्ट करना था इंडोर सिचुएशन में। तो अभी मेरे बैकग्राउंड में एक पंखा चल रहा है, क्या आपको उसकी आवाज़ आ रही है? मैं अभी वही डुओ पॉड से आपसे बात कर रहा हूँ, आपको मेरी आवाज़ कैसे सुनाई दे रही है और बैकग्राउंड में आपको किस तरह की आवाज़ आ रही है? देखिए, बैकग्राउंड का तो कुछ साउंड नहीं आ रहा है, आवाज़ आ रही नहीं, कोई ऐसी कोई बैकग्राउंड साउंड आ रही है, आपकी आवाज़ थोड़ी सी इको है बस, खाली इसके अलावा तो आवाज़ क्लियर है बट थोड़ा इको है बस। अच्छा, तो जैसा कि मैं बोल रहा हूँ आपको ऐसा रोबोटिक साउंड तो नहीं लग रहा है? जैसे थोड़ा सा माइनर सा रोबोटिक साउंड है आपका। ओके, और जैसे मैं कमरे के अंदर हूँ तो आपको बहुत ज्यादा इको जैसा लग रहा है, जैसे बहुत दूर से बात, थोड़ा सा इको जैसा तो लग रहा है, लाइक इट्स इलेक्ट्रिक साउंड लाइक। ओके ओके ओके, ठीक है। सो अभी हम एक और टेस्ट करेंगे, मैं आपको फिर से एक बार कॉल करूंगा, तब मैं ये डुओ पॉड्स को आउटडोर सराउंडिंग के सिचुएशन पर लेके जाऊंगा और फिर मैं आपको एक बार फिर से कॉल करूंगा ये देखने के लिए कि इंडोर और आउटडोर में हमें क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं। जी सर, ठीक, ओके, थैंक यू। हाँ जी सर, हेलो जी अनुराग जी, जैसा कि अभी हमने थोड़ी देर पहले कॉल करी थी जो कि इंडोर थी, मतलब घर के अंदर हमने टेस्टिंग करके देखी थी, अब मैं जो हूँ मैं आउटडोर सिचुएशन पे हूँ, और अब आपको जो कॉलिंग है
आवाज की जो क्वालिटी है और बैकग्राउंड का जो नॉइज है वो कैसा सुनाई दे रहा है? अभी सर आपकी वॉइस क्लियर है बट अब मोर रोबोटिक आवाज आपकी है। अच्छा हाँ, पहले से ज्यादा इको एंड रोबोटिक साउंड प्रेजेंट में मुझे आ रहा है और अच्छा। इसके अलावा बैकग्राउंड साउंड भी इंक्लूड है इसमें। अच्छा, जो आपके आसपास के व्हीकल जो साउंड है। अच्छा ओके, और आवाज कट तो नहीं रही है? नहीं आवाज कट नहीं रही है, आवाज क्लियर है रोबोटिक देन प्रीवियस कॉल। ओके 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 ओके, तो मतलब सराउंडिंग जो है वो बढ़ गई है, इकोनेस जो है वो बढ़ गई है, रोबोटिकनेस जो है वो बढ़ गई है, आवाज में पीछे और ज्यादा बढ़ गई है। हाँ, और आपका पिच जो है पिच बहुत लो हो गया है, सराउंडिंग साउंड अब ज्यादा है। अच्छा ओके ओके ठीक है अनुराग जी। अब मैं आगे आपको वीडियो में दिखाने वाला हूँ कि ये जो डुओ पॉड्स हैं इनकी साउंड क्वालिटी कैसी है। अब मैं मेरे माइक के थ्रू और इन डुओ पॉड्स के थ्रू इन डुओ पॉड्स की जो साउंड है उसको रिकॉर्ड करूंगा। जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं, मैं मेरे मोबाइल से गाना प्ले कर रहा हूँ जो कि डुओ पॉड्स में प्ले होगा और उसी का ही साउंड में मेरे माइक के थ्रू रिकॉर्ड करके आपको इस वीडियो में सुनाने वाला हूँ। तो अब जो नेक्स्ट आप ऑडियो या वीडियो देखने वाले हैं ये रिलेटेड है इन डुओ पॉड्स के साउंड टेस्ट से। तो ये था इन डुओ पॉड्स का साउंड टेस्ट जो कि अभी आपने सुना। ये जो पोर्शन था ये रिकॉर्ड करा गया था इन डुओ पॉड्स को यूज करके। मैंने मेरे मेन माइक के पास में इन डुओ पॉड्स को रख दिया था जिससे जो भी गाना डुओ पॉड्स में प्ले हो रहा था वो आपको सुनाई दे रहा था। तो इससे आपको थोड़ा बहुत अंदाजा लग सकता है कि इन डुओ पॉड्स की जो साउंड क्वालिटी है वो किस तरह की है।
अब मैं आपको बता देता हूँ कि इन डुओ पॉड्स के जो टच कंट्रोल हैं वो किस तरह वर्क करते हैं। सो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये मेरा लेफ्ट बर्ड है और ये मेरा राइट बर्ड है। सो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि ये किस तरह से वर्क करते हैं। तो जैसे ही अगर आप सिंगल टैप करेंगे तो देखिए ये प्ले होने लग गया, फिर इसको मैंने क्लिक करा तो ये प्ले होने लग गया, वापस क्लिक करा तो ये पॉज हो गया, फिर क्लिक करा तो ये प्ले होने लग गया, फिर क्लिक करा तो ये पॉज हो गया। यहाँ पे भी आपको सेम कंट्रोल देखने को मिल रहा है। तो सिंगल सिंगल टैप में आप इसे प्ले और पॉज कर सकते हैं, चाहे तो आप राइट ईयरबड से या फिर लेफ्ट ईयरबड से। डबल टैप करेंगे आप राइट ईयरबड में तो ये आगे चला जाएगा, डबल टैप करेंगे लेफ्ट ईयरबड में तो ये पीछे की तरफ आ जाएगा। होल्ड करके रखते हैं आप अगर लेफ्ट ईयरबड को, तो जो साउंड जो है वो कम होता जाएगा। ये देखिए, ये मैंने लेफ्ट ईयरबड को होल्ड करके रखा है तो साउंड जो है वो कम होता जा रहा है। अगर मैं इसे राइट ईयरबड को होल्ड करके रखता हूँ तो जो साउंड है वो बढ़ता चला जाएगा। अगर आपको किसी भी गूगल असिस्टेंट को स्टार्ट करना है तो आपको किसी भी ईयरबड पे 3 बार टैप करना होगा। अगर आप 3 बार टैप करते हैं तो ये देखिए यहाँ पे गूगल असिस्टेंट जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा इस तरह से। और कॉल रिजेक्ट करने के लिए आपको जैसे कॉल आ रहा है तो आप 1 बार टैप करेंगे तो कॉल जो है वो रिसीव हो जाएगा। कॉल को एंड करने के लिए आपको 2 सेकंड के लिए किसी भी ईयरबड को होल्ड करके रखना है लेफ्ट या राइट को, तो जो आपका कॉल है वो एंड हो जाएगा। तो ये थे टच कंट्रोल्स, मल्टी फंक्शनल बटन टच कंट्रोल्स। बाकी आपने देख ही लिया है कि दोनों डुओ पॉड्स के अंदर दो दो माइक हैं, तो ये 4 माइक का सपोर्ट आपको देते हैं और यहाँ पे आपको चार्जिंग पॉइंट्स भी देखने को मिल जाते हैं। सो ये था इन डुओ पॉड्स का टेस्टिंग और अनबॉक्सिंग जो कि मैंने आपको इस वीडियो में करके बताया है। अब आप सभी कमेंट करके बताइए कि आपको ये जो अनबॉक्सिंग है या ये जो टेस्टिंग है इन मीवी F60 डुओ पॉड्स की वो कैसी लगी, और क्या मुझे इंक्लूड करना चाहिए टेस्टिंग के अंदर, अनबॉक्सिंग के अंदर, और क्या आप इनको परचेस करेंगे या नहीं करेंगे। सेल में जो इनकी प्राइस थी वो 999 रुपीज थी, अभी इसकी जो प्राइसिंग है वो 1300 और 1400 के अराउंड है। बट जब भी सेल आती है नेक्स्ट मीवी की तब आप इसे अगेन आई थिंक 1000 में बाय कर सकते हैं। सो अगर आपको ये डुओ पॉड्स अच्छे लगते हैं सो आप इन्हें जरूर ट्राई करिए। ये बजट डुओ पॉड्स आपको डेफिनेटली अच्छे लगेंगे और ये फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल हैं, तो आप इसे फ्लिपकार्ट से बाय कर सकते हैं। मैं इनकी जो लिंक है, जो बाय करने की जो लिंक है, वो डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। आप उस लिंक के ऊपर क्लिक करके भी डायरेक्टली इनको परचेस कर सकते हैं। मैं इन मीवी डुओ पॉड्स को, अगर आप प्राइसिंग की बात करें और सारे फीचर्स की बात करें, तो आउट ऑफ 10 8.5 रेटिंग्स दूंगा। बाकी आप बताइए कि आप इनको कितनी रेटिंग्स देंगे। सो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ में, एक नए प्रोडक्ट, एक नए अनबॉक्सिंग के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय।